और आज इतने लोगों ने उसका फायदा उठाया है, तो आज हमें और जितने भी कीस्टॉल के जो प्रोडक्ट हैं उसका बेनिफिट अगर हमें लेना है, तो एक बार अपने टीम के मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा साथियों को शामिल कीजिए, और आप प्रॉपर ड्रेस कोड और थोड़ा सा आप सिस्टम में आके लर्निंग का सीखने का जो तरीका होता है उसमें आइए, और उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। और बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम, और आज अभी एक ऐसी मुहिम जो छिड़ चुकी है, हर प्रोडक्ट के ऊपर आज पूरा कंपनी का फोकस, पूरा यूएस के माध्यम से आज प्रोडक्ट के ऊपर सबसे बड़ी चर्चाएं हो रही है, और 2023 एक ऐसा मतलब साल निकलने वाला है, तो उसका हमें बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम उसका ज्यादा आउट मतलब इनपुट लेंगे, इनपुट लेके फिर हम आउटपुट देंगे, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। हमें सीखना ज्यादा है तभी हम लोगों को सिखा पाएंगे, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम अपनी टीम को सिखा देंगे, तो हमारा कहना अगर ये मानते हैं तो फिर हम आज यहाँ नहीं होते, कहीं और हमारा एक लेवल होता। कहने का मतलब यही है, थर्ड क्वालिटी का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, और हमारे बीच में आज प्रियंका मैम है, तो इन्होंने एक ऐसा मतलब कीर्तिमान स्थापित किया, आज एक ऐसी ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर ऐसा प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलिंग में लेके आए, तो वाकई में, क्योंकि आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में कॉस्मेटिक के, लॉन्जरी के, हाइजीन के, ये सारे प्रोडक्ट हर कंपनी के पास में अवेलेबल, लेकिन आपको पता होगा किसी प्रोडक्ट की इतनी डीप नॉलेज कोई भी नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच में प्रियंका मैम है, जो इतना पेन लेते हैं आज, इतना उनका मतलब एक टेंशन रहता है क्यों नहीं ये प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान के घर घर पहुंचा जाए, और हिंदुस्तान के जो आम मतलब समस्या है उसका सोल्यूशन हमारा प्रोडक्ट बने, और उस प्रोडक्ट का हम तभी बेनिफिट ले पाएंगे जब हमारे ज्यादा से ज्यादा साथी इसमें पहुंच पाएंगे, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि आज कॉस्मेटिक का जो मार्केट आप देख रहे हो, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आज कॉस्मेटिक का मार्केट है। और आपने एक चीज और नोट की होगी, आज जितने भी महिलाएं यहाँ बैठी है वो एक बार आप फील जरूर करें, हम कहीं भी पार्टी शादी कहीं भी जा रहे हैं तो हमें वहां का अगर एक वक्त का खाना ना मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम मेकअप किए बगैर हम उस प्रोग्राम में कभी नहीं जाते हैं, तो उसका आप एक बड़ा फायदा ले सकते हैं। तो मैं आपके बीच में ज्यादा बाधा भी नहीं बनूंगा, तो आइए आप सभी एक बार हंसते हुए चेहरों के साथ में मैम को इनवाइट करेंगे, तो अपना वीडियो जरूर ऑन रखें, जितने भी साथी हैं वो एक बार जहाँ भी बैठे हैं पूरे हिंदुस्तान से कोने कोने से आज हमारे बीच में है, तो वो सभी साथी एक बार अपना वीडियो ऑन करें, और मुस्कुराते चेहरे के साथ में मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हिंदुस्तान की फर्स्ट लेडी जिन्होंने आज हमारे बारे में इतना बड़ा सोचा, तो आई इन्वाइट मैं आपकी जोरदार ताड़ियों के बीच में प्रियंका मैम, प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच जे आर सी एम। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू द मीटिंग, या ये कहें एक ऐसा सेशन जिसकी हम सब अब इम्पोर्टेंस समझने लगे हैं। और यहाँ पे बार बार प्रेजेंट होके आप लोग ये प्रूफ करते रहते हैं मुझे कि हम यहाँ पे जो सीखते हैं उससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, या हम यहाँ जो सुनते हैं जिस माहौल में हम बैठते हैं ये हमारे लिए वाकई में बहुत कमाल के रिजल्ट दे रहा है, जो मैं भी फील्ड में देख पा रही हूँ। लेकिन आज मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि ये जो अभी धनराज जी ने जो सब बातें की सोल के लिए कही है, आप लोगों को क्या लगता है कि आज मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस से की सोल के बारे में कुछ भी बोल पाती हूँ, क्यों मुझे इतना ज्यादा यकीन है कि जो हम कर रहे हैं ये बहुत ही नोबल काम है, बहुत ही नेक काम है, और आज के टाइम की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर हमारी देश की इतनी बड़ी जनसंख्या की हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान अगर करने के बारे में सोच पा रहे हैं, और इतना मुझे यकीन है कि हम ही हैं जिनके पास ये सही रास्ता है, तो ये क्यों हो पा रहा है? क्या लगता है आपको, क्या कारण होगा कि मुझे क्यों इतना ज्यादा भरोसा है? उसका सिर्फ एकमात्र कारण है और कोई भी कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैंने कीसोल की शुरुआत की है इसलिए मुझे ये भरोसा है। मुझे ये सारा भरोसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि हमारे हर एक प्रोडक्ट में इतनी ताकत है। मैं उस हर एक प्रोडक्ट के ऊपर इतना अध्ययन कर चुकी हूँ कि एक एक प्रोडक्ट को अगर हम डीपली समझे तो जिस उद्देश्य से प्रोडक्ट बनाए गए हैं, जिन मैसेज के साथ प्रोडक्ट बनाए गए हैं, जो चीजें उसके अंदर डाली गई है, वो वाकई में एक हेल्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट हम उसको बोलें, या हमारी इन सारी समस्याओं के समाधान को हम बोलें, या मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो बातें मैं आपसे बोलती हूँ अगर वो बातें आप जाके अपने फील्ड में बोलें या अपने कस्टमर्स को बोलें, तो 100% आपके अलावा वो किसी और चीज के ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। अब मुझे तो ये यकीन है क्योंकि मुझे प्रोडक्ट्स की जानकारी है। आपको ये यकीन, जैसा भरोसा मुझे कीसोल पे है, जैसा भरोसा मुझे आप पे है, आप पे ये आपका ये भरोसा कैसे पक्का होगा? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, हम जैसे मैं प्रोडक्ट्स के बारे में जानती हूँ उसी तरीके से आप लोगों को हर एक प्रोडक्ट की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और वही एक एकमात्र तरीका है कि हमारा कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट पे बढ़े, हमारा कॉन्फिडेंस कीसोल पे बढ़े, और हमारा कॉन्फिडेंस खुद पे बढ़े। आज मैं आपसे ओपनली बोलती हूँ कि आपको जो सवाल करना है आप मुझसे कर सकते हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि मैं वो पूरी जानकारी पक्की करके आती हूँ जब मैं आपके सामने आती हूँ, तो वो जानकारी कैसे होगी? आप लोगों को भी यही कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब आपको वो थोरली एक एक चीज पता होगी,
जो हम बहुत सारे तरीके से आपको समय समय पर बताने की कोशिश करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अब बहुत परफेक्ट ट्रेनर भी बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुछ लोगों के करने से काम नहीं होगा ना, हमें 100% जितने भी लोग हैं, जितने लोगों से हम बातें करते हैं, हम में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आधी रात को भी उठा के हमसे कोई पूछ ले कि कीसोल के बीबी क्रीम के बारे में बताना, ग्लो अप रोज डाइलाइट के बारे में बताना, या हाइजीन कैंपेन कैसे किया जाता है, या ये इंटीमेट वॉश क्या होता है, व्योमनी के प्रोडक्ट्स क्या काम करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कुछ भी पूछ लीजिए। वो सब जब हमें पक्की तरह से पता होगा, तब ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे आगे बढ़ने से, हमारे बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचने से रोक सके। क्योंकि प्रोडक्ट्स तो सबको चाहिए, लेकिन हमारी जानकारी अधूरी होती है, इसीलिए हम प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते। मुझे सिंपल सी एक चीज बताइए, आज फिर से मैं वही सवाल पूछूंगी आप लोगों से, क्या ऐसा कोई घर है जहां लॉन्जरीज का इस्तेमाल नहीं होता है? क्या ऐसा कोई घर है जहां पे पर्सनल केयर, जहां हम स्किन केयर, हेयर केयर की बात करें कि आमतौर पे जो क्रीम, शैम्पू, लोशन, साबुन लगाया जाता है, क्या ऐसा कोई घर है जहां इसका इस्तेमाल नहीं होता है? क्या ऐसा कोई घर है जहां महिलाएं नहीं है और वहां पे हाइजीन प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है? या ऐसा कोई घर है, अब तो शायद वो कोई घर बचा नहीं होगा, जहां कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल नहीं होता है। अभी आपको बता ही दिया है कि हम आज की जिस जमाने में हम रह रहे हैं, वहां पे ये वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल प्रोडक्ट बन चुका है। और ये मैं नहीं कहती हूँ, आप किसी भी कहीं पे भी जहां आप डेटा को वेरीफाई करते हैं या गूगल करते हैं, आप वहां जाके देख लीजिए, पूछ लीजिए। जितना सोशल मीडिया है, आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो भी यूज करते हैं, आप देख लीजिए, हर जगह सिर्फ अपनी त्वचा की, अपने बालों की कैसी केयर किया जाए, ये कॉस्मेटिक, ये लिपस्टिक, ये नेल पेंट, ये क्रीम, वो क्रीम, हर जगह यही दिखाई देता है। तो उसका कारण यही है कि आज की जनता जो है, आज की जनता बहुत ज्यादा अवेयर हो चुकी है, बहुत ज्यादा अपने आप के ऊपर, अब हम कैसे सुंदर दिख सके, हम कैसे सामने वाले के सामने, हम जब प्रेजेंट हो तो हम बेस्ट अपना दे सके, हम कैसे अच्छे लग सके, सब चाहते हैं ना अच्छा दिखना। तो इसका मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स की जो भी मैं बात कर रही हूँ, हर घर में चाहिए। अब ऐसा क्या है कि हम ग्लो अप रोज डिलाइट के बारे में तो बात कर देते, लॉन्जरीज पे हमने कभी बात ही नहीं करी, बीबी क्रीम तो हम पहुंचा देते हैं लेकिन हमने कभी व्योमिनी पे बात ही नहीं करी। तो हम थोड़ा थोड़ा सब कर रहे हैं। जब मैं आपसे कुछ भी सवाल पूछूंगी तो आप बोलेंगे हाँ मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैं ये यूज करती हूँ, इससे मुझे रिजल्ट आया, इसको मैंने ये प्रोडक्ट दिया। पर क्या ऑनेस्टली आप मुझे बताइए कि हमारे पास आज 70 से ऊपर प्रोडक्ट है कीसोल में, क्या हम उन सबको इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम उन सबके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं? क्या हम उन सारे प्रोडक्ट्स को किसी को भी सेल करने में, किसी से भी बात करने में सक्षम है? डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। और मैं आपको ये भी नहीं बोल रही हूँ कि याद कीजिए, मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि आप, जैसे स्कूल में मैम बोलती कि सारे चैप्टर्स याद करने पड़ेंगे, एग्जाम आ रहा है, तो ऐसा तो मैं नहीं बोल रही हूँ ना आपसे। मैं आपको सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमसे अगर कोई भी प्रोडक्ट पे हमें बात करनी है तो हम किस तरह से बात करेंगे। वो अंदाज को सीखना पड़ेगा ना। हम आपको समय समय पर ट्रेनिंग्स देते हैं, समय समय पर आपको बोलते हैं PQC ज्वाइन कीजिए, थर्सडे मीटिंग्स अटेंड करिए, सुबह हाइजीन मीटिंग्स अटेंड करिए, ये सब कुछ करिए। लेकिन ये सब किस लिए किया जा रहा है? इसलिए नहीं आपको एक एक चीज याद करानी, वो याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपका उसका बहुत आसान सा समाधान दे दूंगी। सिर्फ जरूरत यह है कि हम हर एक प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लें, कि हर एक प्रोडक्ट को पहले तो खुद इस्तेमाल करें। कहते हैं ना कि जब तक हम खुद किसी चीज को यूज नहीं कर लेते, देख नहीं लेते, महसूस नहीं कर लेते, हमारा अंदर से आवाज नहीं निकलती, वो ठीक है जो मैंने आपको बातें बोली, आपने किसी को जाके बोल दी बस वो, लेकिन अंदर से विश्वास कब पैदा होगा? जब हर एक प्रोडक्ट को या हम खुद इस्तेमाल करें या हमारे घर में किसी को यूज करवाएं, राइट? दूसरी बात, हम जब तक हर एक प्रोडक्ट पे किसी और से बात नहीं करें, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा बात करने का स्टाइल, वो कभी भी ठीक होएगा ही नहीं। क्योंकि सुन तो बहुत लिया, सुनते तो हम रोज सुनते रहते हैं, ज्ञान तो बहुत सारा मिल गया, लेकिन उस ज्ञान का यूज क्या है जब तक हम किसी और के सामने नहीं बोलेंगे? तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टूल्स के बारे में आप लोगों से बात करूंगी, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगी जो आपकी इस नॉलेज को, जो अभी तक आप लोगों को है, उसको और पक्का कर सके। या कभी किसी क्षण आपको ये लगे कि आज तो मुझे लग रहा है कि मैं एक पार्टी में जा रही हूँ या इतने लोगों से मिलने वाली हूँ और यहाँ पे मैं व्योमनी पे बात कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं कॉस्मेटिक पे बात कर सकती हूँ, या मेरी एक फ्रेंड है जिसको मैं लॉन्जरी दे सकती हूँ, तो पर मैं तो भूल गई कि PQC में सीखा क्या था, मैं तो भूल गई कि मोरिंगा में वो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या थे, कहाँ से मिलेंगे मुझे, कहाँ मुझे ये जानकारी मिलेगी। तो हमारी ये जो चारों कैटेगरीज है जिनको हम लॉन्जरीज बोलते हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम सब ये जो लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा ठीक तरह से करें, क्योंकि यहाँ भूलिएगा मत, आप कीसोल ब्रांड को रिप्रेजेंट करेंगे। आप खुद तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी से भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे
चाहे आप सेलिंग कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी जानकारी दे रहे हैं, तो आप कीस्टोल के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो भी वर्ड्स यूज करते हैं वो उसी अंदाज में करें जैसे किसी ब्रांड के लिए होने चाहिए। अच्छा आप सोचिए कि कोई फिल्म स्टार है और वो किसी ब्रांड का ऐड कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, कभी उनसे सुना है कि वो उस ब्रांड के किसी भी वर्ड को गलत तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं? नहीं सुना ना, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। तो हमारे लिए तो आप ही स्टार्स हो, आप ही फील्ड में जाके बात कर रहे हो। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आप सब उन्हीं फिल्म स्टार से बेटर कीस्टोल के ऊपर काम कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने तो उस प्रोडक्ट को कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा ना जाना होगा, उन्हें तो जो दो लाइन रटवा दी जाती है वो बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप तो जिनसे बोलेंगे, आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके अच्छी तरह से सीख के हर एक इंग्रेडिएंट्स की पूरी जानकारी लेके फिर उनसे बात करेंगे, तो आप तो उनसे ज्यादा बड़े स्टार हो। तो जब हम किसी प्रोडक्ट के स्टार हैं तो हमें बात कैसे करनी चाहिए, हमें कैसे बोलना चाहिए, जैसे कि हमारा खुद का ब्रांड है, राइट? तो अब आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि ये लॉन्जरी जो सेगमेंट है, जब शुरू किया था तब भी मुझे इतना भरोसा नहीं था कि हम इस पे इतना बड़ा काम कर पाएंगे, क्योंकि जहां महिलाओं की बारी आती है उनको इतनी ज्यादा वैरायटी, इतने ज्यादा ऑप्शंस, इतना ज्यादा न्यूनेस चाहिए कि मुझे खुद भी डर लगता था कि कैसे हो पाएगा। लेकिन आज मेरा कॉन्फिडेंस और कई गुना ज्यादा बढ़ गया और ज्यादा प्राउड के साथ मैं बोल सकती हूँ कि वी आर द ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हु इज एबल टू मेंटेन लॉन्जरीज एट दिस लेवल। और आप लोगों को भी प्राउड फील होना चाहिए कि आज हम आरसीएम परिवार के द्वारा हम इस सेगमेंट को इतनी खूबसूरत तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, इतनी सारी वैरायटी और रोज नए नए प्रोडक्ट्स के साथ। तो आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स जरूर से यूज करना चाहिए, समझने चाहिए और इन पे बात करनी चाहिए, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट को जब आप थोड़ी भी जानकारी लेके समझेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि जो सेगमेंट हमें बात करने में हमको हिचकिचाहट होती थी, जिसके बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं थी, ना मार्केट में किसी ने बताया, न किसी और ने कभी कुछ बताया, यहाँ पे इतनी डिटेल जानकारी मिल रही है, वो आपको बहुत बेहतरीन सेल्स देने में काम कर सकती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तो मैं क्या बात करूं, मतलब आप लोग खुद जानते हैं कि हम दिन ब दिन किस तरह से इसके अंदर प्रोडक्ट रेंज बढ़ा ही जा रहे हैं। पर्सनल हाइजीन की अगर मैं बात करूं तो आज सुबह का सेशन जो गया था यहाँ पे कहते ना, जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है उस तरह से मेरा कॉन्फिडेंस और आप लोगों की जो तैयारियां मुझे दिखाई दे रही है वो और कई गुना ज्यादा हमारे इस पूरे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो धीरे धीरे जिस मिशन को हमने एक महिलाओं की एक समस्या के रूप में शुरू किया था, आज हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि हम एक एनजीओ के तहत इसको एक बड़े अभियान के रूप में पूरे देश में पहुंचा रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्दी इस एनजीओ को आप लोगों की मेहनत की वजह से, यस मैं फिर से कहूंगी द होल क्रेडिट गोज टू यू ऑल, कि आप लोग जितना बेहतरीन फील्ड में काम कर रहे हो, जिस तरह से कीस्टोल के माध्यम से महिलाओं के आंसुओं को पहुंच रहे हो, जितना ज्यादा उनको आप हाइजीन से की समस्याओं से दूर कर पा रहे हो, बहुत जल्दी हम इस एनजीओ को एक ऐसे रिकग्निशन दिलाएंगे जहां पे महिलाओं की हाइजीन एजुकेशन, महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें बहुत बड़े स्तर पे सम्मानित किया जाएगा। और उस दिन आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि हमने जो डिसीजन लिया था कीस्टोल के साथ जुड़ने का वो गलत नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सही डिसीजन सही टाइम पे हमने लिया था। पर्सनल केयर व्योमनी की मैं बात करूं तो अगर हम अब भी इस कैटेगरी को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, कि अगर अभी भी हमने हमारे जानने वाले रिश्तेदारों को, हमारे परिवार को, हमारे नेबर्स को, जिनको भी अगर अभी तक भी हमने इस कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स नहीं दिए हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी आरसीएम की ताकत को लोगों तक पहुंचाएं। और ये वो प्रोडक्ट है जो हमारी आरसीएम की ताकत को बहुत आसानी से बिना कुछ कहे प्रोडक्ट्स की फील, प्रोडक्ट की यूटिलिटी, प्रोडक्ट्स की जो कहते हैं ना कि इतने इतने नायाब प्रोडक्ट है ये कि आप किसी को भी देंगे तो वो आपको थैंक यू ही बोलेंगे। तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, हमें और क्या चाहिए इसके अंदर? हम सिर्फ अपने आप को हमने कहीं ना कहीं रोक रखा है, हम बस थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। तो अब हमें ये जानना जरूरी है कि जब भी हमें अपने आप को अपडेट करना हो, या अभी मुझे ये लगे कि मुझे ये जानकारी और कहाँ मिलेगी, मुझे कीस्टोल पे इस प्रोडक्ट पे और थोड़ा बात करनी है, हमें इस पे और ज्यादा कुछ जानना है, तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है, आरसीएम की जो वेबसाइट है, उस पे कीस्टोल के हर प्रोडक्ट की बहुत डिटेल जानकारी दी गई है, और वो है हमारा कैटलॉग। ई कैटलॉग आपको दिखाई देगा, जहां पे आपको डाउनलोड सेक्शन में आप जब जाएंगे तो आपको कीस्टोल के ई कैटलॉग दिखेंगे। वहां पे उस कैटलॉग में आपको सारी अपडेटेड जानकारी मिलेगी हर एक प्रोडक्ट के बारे में। इसी तरह से आप कीस्टोल और व्योमनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप प्रोडक्ट वाइज भी वहां पे जाके आप जानकारी ले सकते हैं।
और ये इस तरह से ई कैटलॉग आपको खुलेगा और वहां पे जाके आप जो भी आपको चीजें याद करनी है फिर से समझना है आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ये सारी चीजें मैं चाहूंगी आप नोट कर लें, क्योंकि हम हर सेशन में मुझे ये सवाल बार बार आता है कि मैम ये जानकारी मिलेगी कहाँ से, ये हमें कौन बताएगा। तो आप सब नोट कर लीजिए जिससे आप भूले नहीं कि हमें वेबसाइट पे डाउनलोड सेक्शन में जाके हमें ई कैटलॉग डाउनलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जानकारी मिलेगी मीडिया सेक्शन में, बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से हम ये आपको जानकारी दे पा रहे हैं, जहाँ आपको कॉस्मेटिक्स के वीडियोस दिखेंगे, हाइजीन के वीडियोस दिखेंगे, मोरिंगा क्या होता है, किस कौन सा पौधा है ये, इसकी क्या खूबियां हैं, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको वहां दिखाई देंगे और हम इसमें रोज कुछ ना कुछ नया डालने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बारी आती है हमारे टूल्स को इस्तेमाल करने की। आप लोगों को पता है कि हमने एक हाइजीन पैम्फलेट बना रखा है कि जिस तब जब भी हम हाइजीन कैंपेन करने जा रहे हैं या जिसको भी हम हाइजीन संबंधित जानकारी दे रहे हैं उनको हम ये पैम्फलेट जरूर से दें, जिससे कि जो बातें हमने उनको बोली है वो उनको भूले ना और इस पैम्फलेट के माध्यम से वो उनको बार बार देख सके, अपनी जानकारी को अपडेट कर सके। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक बार बोलने से किसी को समझ में ना आए, लेकिन वो बार बार जब पढ़ेंगे तो उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जब भी आप फील्ड में जाएं तो की सोल की कैप का इस्तेमाल करें। अभी मैंने आपको क्या बोला था, आप सब स्टार्स हैं, आप सब की सोल के स्टार हैं, तो स्टार जैसा लुक भी तो आना चाहिए हमारा। तो की सोल की कैप को इस्तेमाल करें। हम हाइजीन के बारे में जब बात करते हैं तो कई बार हम नए लोगों को प्रोडक्ट देने में या उन्हें लेने में संकोच होता है, इसीलिए हमने एक हाइजीन किट बनाया हुआ है जिससे कि इस किट के माध्यम से, मतलब ये इतना अच्छा छोटू सा किट बना हुआ है कि जिसको लेने के लिए कोई मना नहीं करता है। एक ट्रायल के तौर पे ये दो सैनिटरी नैपकिन और एक छोटी सी इंटीमेट वॉश की बॉटल तो कोई भी ले ही लेगा। तो ये हमेशा हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको अगले घड़ी में कौन मिलने वाला है। तो हमें अपने हर मौके का, हर समय का पूरा पूरा फायदा उठाना है, और इसीलिए हमें की सोल का जो ये हाइजीन किट है छोटा सा, इसको हमेशा अपने साथ अवेलेबल रखना है। अब बारी आती है हमारे की सोल के प्रोडक्ट कैटलॉग की। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो मैंने बहुत समय लगा दिया लाने में, लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या था, कि जब फिजिकल कैटलॉग आता है तो उसको अपडेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और यही कारण था हमने थोड़ा समय लगाया, लेकिन मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए। जब जो चीज हमारे पास आ गई है अब हम इसको पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो आप लोगों को हमेशा अपने साथ ये प्रोडक्ट कैटलॉग रखना है जिससे इसमें सारे प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी दी हुई है। तो हम अगर भूल गए हैं कि हमारे नेल पेंट में क्या खास बात है तो वो उसमें खोल के देख सकते हैं। हम ये भूल गए हैं कि की सोल के बीबी क्रीम में क्या मिला हुआ है, मोरिंगा के शैम्पू में क्या है, हेयर ऑयल में क्या है। मैं जानती हूँ कि इतनी सारी बातें याद नहीं रहती, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगी जहां से आप अपने आप को अपडेट रख सकें। तो प्रोडक्ट कैटलॉग के माध्यम से आप हर प्रोडक्ट को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, आप जब भूल गए तो उसमें खोल के देख सकते हैं। और जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं और उसी चीज को हम दिखा के बात करते हैं तो दोनों में डिफरेंस आता है ना। एक बार विजुअलाइज करिए कि किसी से आप बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं कि सोल एक ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किए, मुझे अच्छे लगे, उसमें ये है वो है। और यही चीज आप कैटलॉग के माध्यम से उनको बता रहे हैं कि हमारे पास इतने बड़े रेंज है प्रोडक्ट्स की और इन प्रोडक्ट्स के अंदर ये खास बात है। तो सामने वाले को भी यकीन होगा कि अगर कुछ लिख के दिया हुआ है इसका मतलब वाकई में इस प्रोडक्ट में कुछ तो बात है। तो आपको अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कैटलॉग बहुत अच्छी हेल्प करेगा आपको। और जिन लोगों ने भी कैटलॉग के माध्यम से सेलिंग करने की आज तक कोशिश करी है उनको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। और अब हमारा जो न्यूली लॉन्च किट बैग है, ये तो मैं कहूंगी कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है जिसको हमें सबको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तक हम जब भी की सोल के प्रोडक्ट्स कहीं ले जाते थे तो किसी बैग में, किसी कैरी बैग में थोड़े से प्रोडक्ट ले गए, कुछ भूल गए, अरे बाहर जाके याद आया अरे मेरे पास तो ये रखा हुआ था मैं तो लाना ही भूल गया। ये सारी समस्याओं से हम अब सॉल्व हो गए हैं, क्योंकि हम अब ब्रांड की बात कर रहे हैं तो हमें अपना प्रेजेंटेशन भी ब्रांड के लेवल का होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये जो किट बैग है, इस किट बैग में हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि आप की सोल के जितने भी प्रोडक्ट्स और टूल्स हैं वो सब इसके अंदर कंफर्टेबली जमा के एकदम व्यवस्थित तरीके से, जैसे आप पिक्चर में अभी देख सकते हैं, हमने इसमें सारे प्रोडक्ट्स को एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। और इसमें यहाँ तक कि हमने एक पाउच भी बनाया है जिसमें आप लॉन्जरीज और सैनिटरी नैपकिन ये सारे प्रोडक्ट्स भी रख सकते हैं। एक बार पॉकेट दी है जिसमें आप कैटलॉग, पैम्फलेट ये सब भी रख सकते हैं।
और इसको बहुत अच्छे से आप साइड में कैरी करें या ऐसे बैग के तरीके से आप इसको हैंडल से भी कैरी करें, आप जैसे चाहे इसको कैरी करके अपने साथ लेके जा सकें। तो ये क्या हो गया आपका, एक तरह से आपका एक ये टेस्टर बैग हो गया, जिसको आप कहीं पे भी जा रहे हैं या इवन घर पे भी अच्छे से जमा के इसमें प्रोडक्ट्स रखिए। इससे प्रोडक्ट को आप लोगों को चेक भी करवा सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, और जब आप सोचिए कि जब आप किसी के सामने इस पूरे किट बैग को खोलेंगे तो उनको भी देखते लगेगा कि वाकई में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, तो वाकई में ब्रांड की कुछ तो तैयारी है। तो मुझे यकीन है कि आपको इस किट बैग की मदद से प्रोडक्ट सेलिंग में, प्रोडक्ट को अपने साथ कैरी करने में, प्रोडक्ट को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज वे में दिखाने में बहुत मदद मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी अपने इस किट बैग को ऑर्डर करिए, जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। तो जो भी पीयूसी और केएसओ इसको ऑर्डर करना चाहते हैं, आप उनके माध्यम से आप इसे मंगवा सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास व्योमनी का जो सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उसका एक कॉम्बो पैक भी है। तो हम इस बैग को बहुत सारे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक तो किसी को आधे आधे प्रोडक्ट बताते हैं, कभी हमने किसी को स्क्रब बता दिया, किसी को क्रीम बता दी, किसी को साबुन बताया, या फिर हम ये सोचिए कि हम सब किस जिस भी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, हम उन्हें बेनिफिट बताएं मोरिंगा के, हम उन्हें बेनिफिट बताएं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के, और उनको ये कहें कि आपके स्किन केयर और हेयर केयर रिजीम के लिए हमारे पास एक पूरा कॉम्बो पैक है, और साथ में ये जूट का बैग भी है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी तरीके से एक बार में हम सारी चीजों को दे पाएंगे, और ये गिफ्टिंग के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो इस किट बैग, इस कॉम्बो को भी हमें सही तरीके से इस्तेमाल करके एक बार में ज्यादा प्रोडक्ट्स को देने के ऊपर काम करना चाहिए। देखिए, काम तो हम सब कर रहे हैं, है ना, कोई ज्यादा कर पाता है, कोई कम कर पाता है। अब ये ज्यादा कौन लोग कर पाते हैं, पहले वो लोग हैं जो पूरी जानकारी रखते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो अपने अंदर की संकोच को हटा के जो जानकारी उन्हें मिली है उसको सामने वाले के साथ एक्सप्रेस करके उन प्रोडक्ट्स के ऊपर चर्चा करके अच्छे से सेल ले पाते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो सबसे बड़ी सेल करते हैं, वो अपने क्रिएटिव आइडियाज के साथ कुछ नयापन करके, कुछ ना कुछ ऐसा करके जो हमें सिखाया तो नहीं है लेकिन हमारा दिमाग कहता है कि अगर हम इसको ऐसे करें, अगर हम कुछ आइडिया लगाएं, जैसे हम एक आम तौर पे नेल पेंट की बात करते हैं, अगर हमें नेल पेंट सेल करना है तो हम इसके फीचर्स बता के सेल कर सकते हैं कि आमतौर पे जो नेल पेंट्स आते हैं उसमें बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स होते हैं, हमारे इसमें नहीं है, हमारे पास ब्रीदेबल नेल पेंट्स भी है, हमारे पास ऐसे नेल पेंट है जिसके अंदर आमंड ऑयल है, कैल्शियम है, ये सारी बातें तो बोल देते हैं। इन सब के साथ सेलिंग भी हो जाती है, लेकिन आप सोचिए जो आज के डेट में सबसे ज्यादा चलन में है वो है नेल आर्ट। अगर हम उसके साथ, अगर ये सब जानकारी के साथ हम थोड़ी नेल आर्ट भी करके दिखाएं, हम सुंदर तरीके से हमारे प्रोडक्ट को प्रेजेंट भी करके दिखाएं, तो आप सोचिए पहले वालों की सेल ज्यादा आएगी या बाद वालों की? डेफिनेटली बाद वालों की आएगी ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्रिएटिव आइडिया लगाया, हमने कुछ ऐसा सोचा कि जहां पे सामने वाले को हमारी बात पे पूरा यकीन हो जाए, और ना सिर्फ यकीन, वो अंदर से मजबूर हो जाए कि उसको हमारा प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो क्रिएटिव आइडियाज हैं, जिस तरह से ये कॉम्बो पैक का मैंने आपको आइडिया दिया कि आप एक बार में सारे प्रोडक्ट किसी को भी दे सकते हैं, अगर सही तरीके से आप उनको स्किन केयर और हेयर केयर रिजीम समझाएंगे। तो ये देखिए, ये कितना सुंदर सा एक गिफ्ट के रूप में हम इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। और डेफिनेटली हमारे पास सबसे बड़ा जो तरीका है अपने आप को अपडेट रखने का, अपने जानकारी को पक्का करने का, वो है पीक्यूसी ट्रेनिंग प्रोग्राम, पिंक क्वीन क्लब ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हम सबके लिए करना अनिवार्य है। अभी तक भी जिन लोगों ने नहीं किया है, या जिन लोगों को ऐसा लगता है मैंने पहले किया था लेकिन मुझे फिर से अपडेट होना है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, हम प्रोडक्ट्स तो खरीद ही रहे हैं। हमने अगर 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स पिछले 6 महीने में खरीदे हैं तो हम फिर से पीक्यूसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और फिर से इस कोर्स का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जो जितना ज्यादा सीखता है वो उतना ज्यादा लाभ पाता है। क्यों लोग इतनी हायर डिग्रीज लेते हैं, हम सब देखते हैं ना कि कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद डिग्री करते जाते हैं, और फिर उनकी जॉब उनको ऐसी मिलती है कि हम तो सोचते रह जाते हैं। तो आप सोचिए कि नॉलेज का कितना बड़ा महत्व है, कि हम जितनी जानकारी रखेंगे उतना बड़ा काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ सिंपल सा एक पीक्यूसी ट्रेनिंग प्रोग्राम करने बोल रही हूँ, और ज्यादा कुछ नहीं बोल रही। तो ये तो हम सभी को करना ही चाहिए। फिर बारी आती है कि हम यहाँ पे जो हमें इतना अच्छा तरीका मिल रहा है, हर थर्सडे सुबह 11:30 बजे हाइजीन समस्याओं की जानकारी लेके, हाइजीन प्रोडक्ट्स की जानकारी लेके, लोगों के एक्सपीरियंस सुन के, आप लोगों को सब कुछ पता होगा हाइजीन के बारे में, आप एक एक प्रोडक्ट पे पूरी अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जो लोग हाइजीन पे काम कर रहे हैं, वो जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं,
वो हमारी नॉलेज को और कई गुना बढ़ाएगा और हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये जितनी सारी चीजें हैं, ये जो भी चीजें हम, मैं आपको आज टूल्स के बारे में मैंने बताया, वेबसाइट के बारे में बताया, पीक्यूसी प्रोग्राम है, थर्सडे मीटिंग्स है, हम किस तरह से अपने आप को अपडेट रख सकते हैं और अगर हमसे कुछ मिस हो रहा है तो कैसे वो जानकारी को और ज्यादा बड़े रूप में ले सकते हैं, ये सारे तरीके आज मैंने आपको बताए। तो आई एम श्योर आप ये सारी चीजों का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाने में इन सब की मदद लेंगे। तो अब मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी कि आज ये जो सब चीजें आपको पता चली है उसके माध्यम से क्या करेंगे, अब हमारे बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे, या अभी तक जो हम एक दो लोगों से बात कर रहे थे, एक दो प्रोडक्ट से ही इस्तेमाल कर रहे थे, तो उससे उससे क्या होगा कि जो सब कुछ करेगा वो बड़ा बन जाएगा और हम अगर छोटा छोटा करते रहे तो हम यहीं पे ही रह जाएंगे। तो किसको यहीं पे रहना है और किसको आगे बढ़ना है, अब हम सब हैंड रेस करके अपने आइडियाज को, अपने इन चीजों को शेयर करेंगे, जिससे कि आप लोगों को अगर अभी कुछ भी जानकारी और चाहिए, और भी आप लोगों को अगर डाउट हो रहा है कि हमें अभी भी और जानकारी कैसे लेनी है, तो आप वो सवाल भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, लेकिन अभी ज्यादा जरूरी है कि आप मुझे ये बताएं कि आप बड़ा करने के बारे में कैसे सोच रहे हैं। तो हम एक एक करके आप लोगों को अनम्यूट करेंगे। धनराज जी, अगर हम आप हैं यहाँ पे तो। जी मैं बिल्कुल। तो चलिए, जो भी साथी अपनी बात रखनी चाहेंगे तो सबसे पहले मोबाइल को इस तरीके से कर लो। सर हमेशा सुबह के सेशन में बताते हैं, मोबाइल को ज्यादा देर खड़ा रखेंगे तो इसको दर्द होने लग जाएगा। और फिर आइए हम साथ में। चलिए महाराज सिंह आइए सर, वेलकम सर, एक हंसते हुए चेहरे के साथ में हम शुरुआत कर रहे हैं। जी सर। जय आरसीएम सभी को, जय किसोल। आज की ट्रेनिंग दीदी ने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी, बहुत गजब की लगी और बहुत बहुत नई नई जानकारी दी। मैं ये कहता हूँ कि आज जो कैटलॉग की जानकारी दी, हमें तो ये नहीं पता था कैटलॉग भी है इसके अंदर, और कहाँ जा करके क्या क्या जानकारी मिल सकती है, वीडियो भी है, सब है, तो हमें इतना पता नहीं था अभी तक। आज बहुत नई जानकारी मिली और मैं पिंक क्वीन क्लब भी कर रहा हूँ, और उसके बदले में क्या क्या मिला, भीलवाड़ा जाने का मौका मिला, उसमें स्पा का भी मौका मिला, बहुत कुछ दे रहे किसोल वाले, गजब। और गिफ्ट, इतना बड़ा गिफ्ट दिया, एक डिब्बा, उसमें इतना सारा सामान निकला जिसे यूज कर रहे हैं घर के, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम इसमें बहुत बड़ा काम करने के वो कर रहे हैं, हमारी मैडम है ये भी रोज सुनती हैं और डेली इस पे काम कर रही हैं। ठीक है, इनसे बात करो। जय आरसीएम, जय किशोर। और इस प्रोडक्ट सारे ही अच्छे लग रहे हैं भाई, मैं तो ज्यादातर मोरिंगा के जितने प्रोडक्ट है किशोर के सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ और इसमें मुझे बहुत विश्वास हो गया है। मैं ज्यादातर बहनों से सबसे बताने की कोशिश करती हूँ, जो भी मेरे मिलने वाली हैं आसपास की, सबसे ज्यादातर बताने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू। ठीक है, ग्रेटफुल सर जी। जो मैम ने सब्जेक्ट दिया हम उसी के ऊपर बात करेंगे और डायरेक्ट बात करेंगे। मैम ने आते ही हमें जे आर सी एम जय किशोर का नारा हमें दिया है, तो हम डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे ताकि हम सबको शामिल कर पाएंगे। कल्पना दीदी आइए। हेलो, जय आरसीएम सर। नहीं सॉरी, मैं क्रीम तो यूज कर रही हूँ और थोड़ा बहुत तो कर रही हूँ, लेकिन हमको उतना, जिसको भी बोलते हैं ना तो बोलते हैं कि इसका क्या गारंटी है, ये हम लोग दूसरा क्रीम यूज करते हैं, इसका क्या गारंटी है, मेरा स्किन खराब हो गया तो यही बोलते हैं। तो हम लोग को उतना पता नहीं था, जितना मैं अपने लिए तो यूज करती हूँ, लेकिन दूसरा का अभी तक सेल नहीं किया है। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि आप सामने वाले के सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारी जानकारी अधूरी है। मैंने आपसे यही पूछा ना कि मैं अगर इतने कॉन्फिडेंटली अगर बोल पा रही हूँ तो उसका एकमात्र कारण है कि मुझे भरोसा है कि जो प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं वो बेस्ट प्रोडक्ट है और इतना नेचुरल, इतना हेल्थ फ्रेंडली, ऐसा और कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता है। तो अब आपको अगर किसी को इस प्रोडक्ट के बारे में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो क्रीम है ये किससे बनी हुई है, आपको ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए और ये जानकारी कहाँ से लेनी है, मैंने आज आपको सारे माध्यम भी बता दिए। तो आपने इसका मतलब पीक्यूसी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं किया है तो किशोर पे मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, लेकिन मुझको ये क्रीम, ये बेबी क्रीम है, बहुत अच्छा लगता है, कितना महीने से यूज कर रही हूँ मैं, और इससे थोड़ा स्किन का ये जो इस काला काला होता है ना स्किन में वो भी जा रहा है मेरा, इसलिए मुझको बहुत अच्छा लगता है ये क्रीम। तो आप पहले प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी लीजिए फिर किसी से बात करिए। ठीक है मैम, थैंक यू। बेबी चांद देहरादून आइए दीदी जी। थैंक यू सर। मैम आज की मीटिंग में और जो अपडेट्स आए हैं, आपने बताया 70+ हमारे प्रोडक्ट्स हैं
और इसकी खासियत मुझे सबसे ज्यादा लगती है क्योंकि ये एक एक प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं खुद अभी मैम ने बोला कि नेल आर्ट मैंने ट्राई किया है लेकिन मेरा नाखून टूट गया है, लेकिन मैं मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली नेल आर्ट करना या किसी भी प्रोडक्ट को। मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जब हम किसी प्रोडक्ट की खूबियां बताते हैं तो सामने वाला मजबूर हो जाता है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। बस यह है कि हमें अपडेट खुद को करना है, तो मैं अपने आपको कोशिश करती हूँ मैम से ज्यादा सीखें। और ये जो मैम आपने कैटलॉग की बात किया ये बहुत अच्छा रिजल्ट लाने वाला है, क्योंकि प्रोडक्ट किसी भी कंपनी को करते हैं तो उसका कैटलॉग होना और प्रेजेंटेशन देना ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आपने किट ले आया जो की सॉल का जो आपने बैग दिया है वो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वैनिटी के अंदर में जैसे कहते हैं ना हम अपने वैनिटी में रखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, तो यहाँ दिखाने के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया अच्छा रहेगा कि हम अपने बैग को लेके जाते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं। और की सॉल का बैग जब कैप लगाते हैं तो मैम एक अलग से डिफरेंट सी फीलिंग आ जाती है। तो थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू दिशपाल सिंह जी, सर वेलकम सर, आइए आप। मेरे प्रियंका दीदी से मेरी एक दो क्वेरी है। जैसे सबसे पहले तो ये टीम में बताना होगा, जैसे पिछले 6 महीने का 5000 एसपी का प्रोडक्ट और इसको बारह रजिस्टर्ड करवा देंगे वो तो हो गया। तो दूसरा है कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी जेंट्स के नाम पे आईडी लगी हुई है, अगर वो अपनी बेटी के या मिसेज के नाम पे वो सर्टिफिकेट इशू होगा या जेंट्स के नाम पे भी सर्टिफिकेट इशू होगा, जैसे सरोज जैसे सुबह आपने बोला था ट्रेनिंग में दीदी, ये क्वेरी है। देखिए जो एनजीओ का सर्टिफिकेट है जो एनजीओ का लेटर है वो तो जो ट्रेनिंग लेंगे उनके नाम से इश्यू होगा, लेकिन जो नाम, हाँ जी बोलो, तो जब आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा तब आपको वही नाम लिखना है जो ट्रेनिंग लेने वाले। ठीक है, यानी इससे आईडी का कोई मतलब, आईडी किसी ऑर्डर के नाम पे वो जो ट्रेनिंग ले रहा है उसका नाम लिखेंगे। जी जी सर बिल्कुल, थैंक यू एक बार, क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे उसका कारण है मैं आपको समझाती हूँ। जब आप फील्ड में जाएंगे सपोज आप किसी स्कूल में गए, आपने वो लेटर दिखाया कि हम इस एनजीओ से आए हैं और हम हाइजीन पे बात करना चाह रहे हैं, तो उस लेटर पे नाम तो किसी और का लिखा है, ट्रेनिंग लेने कोई और जाएंगे तो वो आपको तो कह देंगे कि आप किसी और का लेटर ले आएंगे। तो इसीलिए जो ट्रेनर है जो प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो सब्जेक्ट को जानते हैं उन्हीं के नाम से लेटर इशू किया जाएगा और इंटरव्यू भी उन्हीं को ही देना है। आगे बढ़ते हैं, निजामुद्दीन जी आइए सर। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेल के लिए भी इंटीमेट वॉच लॉन्च होना चाहिए कंपनी की तरफ से, ये भी एक जरूरत है और हम लोगों को प्रोडक्ट सेल करने बड़ी आसानी होगी। मैंने अपना पीक्यूसी में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ये कैटलॉग बहुत बहुत इफेक्टिव है, बहुत काम का कैटलॉग है, मैंने खरीद भी लिया है। थैंक यू मैम। आप ये समझ लीजिए कि आपने मुझे बात बोली और यहाँ पे हमने मांग ली, बहुत जल्दी हम इस तरह का प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सर। शोभा जी आइए, शोभा पासवान झारखंड धनबाद आइए। थैंक यू सर। मैम दो क्वेश्चन है मेरा, सबसे पहला तो ये है कि हम 1-to-1 जाके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, कैंपेन भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे बल्क में प्रोडक्ट सेल करना, तो बल्क में प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्या ऐसा आइडिया आप थोड़ा कुछ आइडिया दें जहां पर हमारा जो बल्क प्रोडक्ट सेल हो जाए। जैसे आप किसी भी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो सपोज आपको हाइजीन पे काम करना है, तो हाइजीन के लिए हमें बल्क में कहां सेल कर सकते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, जहां पे भी बड़ी संख्या में लड़कियां होती है। अगर आपको सपोज कॉस्मेटिक्स पे बल्क में काम करना है तो आप ब्यूटी पार्लर्स को अप्रोच कीजिए, इस तरह के बहुत सारे सलॉन्स होते हैं या फिर जो बुटीक्स होती हैं जिनको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि आप इतने प्रोडक्ट्स जो रखते हैं उसके साथ अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी रखेंगे, और वहां पे बस जरूरी है, देखिए हम जो भी करने जा रहे हैं जैसे जैसे आप अपने काम को बड़ा करेंगे ना आपको अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप उनसे ये बात कर रहे हैं कि वो अपने यहाँ पे ब्रांड रिप्लेस करें। आप जैसे सपोज सलोन पे जा रहे हैं वो मार्केट के जो भी फला ब्रांड रखते होंगे उसके सामने वो आपके ब्रांड को क्यों रखेंगे, तो वो आपको आपकी नॉलेज आपका कॉन्फिडेंस आपका स्टाइल जो होगा ना वो सब कुछ वहां पे वो मैटर करेगा। प्रोडक्ट तो बात की बात है, प्रोडक्ट पे तो उनको बाद में विश्वास होगा ना जब वो इस्तेमाल करेंगे, आपकी बात पे कैसे विश्वास करेंगे। तो यू हैव टू सी कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, उसके बाद आपको बल्क में अगर लॉन्जरीज या किसी भी प्रोडक्ट पे काम करना है आप होम मीटिंग्स बुलाइए अपने जितने भी जानकार, हमें यहाँ जितने लोग बैठे हमारे कोई तो जानकार लोग होते हैं। अब होम मीटिंग्स को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, जब कोई हमारे घर पे आ रहा है तो हमें कैसे प्रेजेंटेशन रखना चाहिए, इस तरह से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप धीरे 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 करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप बड़ी संख्या में बात कर पाएंगे। और ये हमारा जो है निर्जरा का जो सेशन स्टार्ट होने वाला था, अभी स्टार्ट हुआ, वो कब तक हो जाएगा? निर्जरा का सेशन हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास मैसेज आ जाएगा। थैंक यू दीदी। अमिता सिंह आइए दीदी। जय आर सी एम, जय आपके, सॉरी एक्चुअली मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है,
इस आरसीएम को, और मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज किए, बहुत तो मैंने नहीं यूज किए लेकिन कुछ यूज किए जिसमें सी सोल के भी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, मुझे खुद तो उसमें बहुत मतलब यूज करके बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं औरों को भी बता सकूँ, लेकिन जब तक मैं खुद नहीं यूज करूंगी तब तक मैं किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकती हूँ। तो मैंने जो यूज किया शैम्पू मैंने यूज किया, क्रीम यूज किया, बेबी क्रीम यूज किया है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं चाहती हूँ कि ऐसी और भी प्रोडक्ट है, जैसे बीबी क्रीम के कई इसमें वो रहते हैं आपके अलग अलग शेड्स रहते हैं, तो और भी आए उसमें, और ब्यूटी पार्लर्स के जो आपके फेशियल किट है इस तरह की किट भी अगर इसमें आती है तो ये बहुत यूजफुल रहेगी लोगों को देने के लिए भी, और अपने लिए भी, खुद के लिए भी बहुत सारी उसमें यूजफुल रहेगी हमारे लिए भी। अमिता जी, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अभी तो सिर्फ 70 प्रोडक्ट्स आए हैं 4 साल में, आप सोच लीजिए कि किस स्तर पे प्रोडक्ट आते होंगे। आप अभी जो हैं पहले उनको इस्तेमाल करिए और इनको सीखिए, पहले आप पीक्यूसी ज्वाइन करिए, प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, आपको धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लग जाएगा कि यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट्स आते हैं और कैसे बनते हैं। थैंक यू दीदी। अर्चना जी आइए दीदी। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने पीक्यूसी ज्वाइन नहीं किया था और किसोल के प्रोडक्ट आए थे तो मुझे लगा, विश्वास नहीं होता था कि मैं इतने महंगे प्रोडक्ट मैं कैसे बेचूं, पर जब मैंने पीक्यूसी ज्वाइन किया और पूरा हो गया, अब त्रि निर्जल का निर्जला का भी मैंने टारगेट किया, तो अब तो मेरे घर पे फोन आते हैं सर कि मैडम ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि मैंने खुद यूज किया वो प्रोडक्ट और यूज करने के बाद उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए और विश्वास के साथ मैंने बेचना चालू कर दिया, तो आज मेरे घर पे ऑर्डर आ रहे हैं सर, और बहुत अच्छा लग रहा है। किसोल पे मैं बहुत बड़ा काम करने वाली हूँ, अभी मैंने त्रि निर्जला का जो टारगेट था वो मैंने फिलहाल अभी पूरा कर दिया है, और 8 लेडीजों को मैंने पीक्यूसी ज्वाइन करवा दिया है, तो मेरा टारगेट है 100, जो मेरी टीम में जो भी लेडीज है उसको मैं पीक्यूसी ज्वाइन करने के लिए लगाऊंगी, क्योंकि वो जब तक करेंगी नहीं तब तक उसकी जानकारी उनको मिलेगी नहीं। थैंक यू मैडम, वेरी वेल, कीप इट अप। विकास जी आइए सर, विकास तिवारी सर, थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे, सबको शामिल कर पाएंगे। जी विकास जी, जी 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 सर, जय श्री सर जी, मैं ये कर रहा था सर कि मैं भी किसोल पे काम कर रहा हूँ, मुझे एक क्वेश्चन था प्रियंका मैम से कि जैसे ये इसका जो स्क्रबर है वो हफ्ते में 2 बार यूज करवा रहा हूँ, अगर बाय चांस किसी को 3 या 4 बार यूज करवाएं तो उसका कोई नुकसान है क्या? देखिए नुकसान कुछ भी नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि स्क्रब को यूज करने से हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो उसके बाद हम मोरिंगा क्रीम जरूर से लगाएं, क्योंकि हमें पोर्स को वापस इंटैक्ट करना जरूरी होता है, इसका और कोई नुकसान नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पोर्स को लंबे समय तक ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। जी जी जी, थैंक यू मैम, बाकी तो प्रोडक्ट इसका मैं भी काफी सारा यूज कर रहा हूँ, अपने खुद पे भी जो है और कस्टमर को भी करवा रहा हूँ। जी थैंक यू सर। नीतू दीदी आइए दीदी। मैं भी सर शैम्पू आयल क्रीम सोप सब यूज कर रही हूँ और सभी साथी को दे भी रही हूँ, बहुत पसंद कर रहे हैं। और मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मैं पीक्यूसी अटेंड की हूँ उसमें 2 मॉडल मेरा छूट गया, इसका कैसे सॉल्व होगा सर? हम जब पढ़ाई करते हैं ना, जब जो सेशन हमसे मिस हो जाते हैं तो उसका क्या करते हैं? मिस हो जाती है तो क्लास में उन सब्जेक्ट में कम नंबर आते हैं या फिर हम दोबारा करते हैं, तो अभी आप क्या करना चाहते हो? दोबारा कर देंगे तभी तो नंबर आएगा वैसे। अच्छा ठीक, थैंक यू। हम कुछ नए साथियों को शामिल करना चाहेंगे। चंदा जी मोबाइल को घुमाइए आप, फिर आइए आप, है ना। देखिए मेरे सवाल का लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि अभी तक हम एक एक करके प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं या कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पे बोलते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं, आज की इस मीटिंग के बाद कौन है जो अब सारे प्रोडक्ट्स पे या बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे बहुत बड़ी संख्या में लोगों से चर्चा करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं? आइए चंदा जी, जो मैम ने अभी बात की है उस विषय पे बात करनी है। जी नमस्ते मैम, जय आश्रम जय किशोर, और मेरा पीक्यूसी भी कंप्लीट हो चुका है, और मैं अब की बार जब सर की एनिवर्सरी प्रोग्राम था तो ये कैटलॉग लेके आई, और इसे सेल जैसे किशोर के प्रोडक्ट है ना सेल करने में बहुत आसानी है, और आज मैं 1500 SP के प्रोडक्ट सेल करके आई, जैसे नेल पेंट है और है, तो इसमें क्या है कि बताना नहीं पड़ता है लोगों को, ओनली कैटलॉग दिखा दो तो वो अपने आप समझ आते हैं, तो बहुत ईजी और बहुत आसान है। थैंक यू मैम, लेकिन फिर भी बताना है हमें, फिर भी बताना है, तो 1500 की जगह हम धीरे धीरे 15,000 भी कर पाएंगे। बिल्कुल मैम, महीने का 4-5 हज़ार का किशोल का प्रोडक्ट सेल हो जाता है। थैंक यू। उत्कर्ष सिंह जी आइए सर।
जी जी सर, धन्यवाद। और वास्तव में मैडम की जो जानकारी रहती है बिल्कुल जब जब आती है तो एकदम अलग रहती है, और आज की जो जानकारी थी बड़ी अच्छी है। और मेरा सर अभी ये टारगेट है कि मैं बोमनी के प्रोडक्टों पे काम कर रहा था और आइजिंग पे काम कर रहा था, लेकिन अब मैं बहुत सारे लगभग जो अपने पास 70 प्रोडक्ट है पूरे के पूरे जानकारी आज के बाद लोगों को दूंगा। और ये जो अप्रैल का महीना है मेरी पर्सनल, क्योंकि सर पिछले महीने मेरी 5000 पीवी सेल्फ थी, इस महीने मेरा जो टारगेट है 20000 पीवी जो है वो नेचुरल सिर्फ की सोल पे होगी, क्योंकि मैंने अभी पार्लरों को पकड़ा था और एक दो स्कूल थी, लेकिन इस बार जो मेरा है अभी मेरा कल का प्रोग्राम मेरा कॉलेज का है जहाँ पे मैं कैंप लगा के साथ मैडम और कुछ और लेडीज रहेंगी कैंप करने वाले, कॉलेज का कल ही सर मेरा 5-10 हजार का प्रोडक्ट सेल होगा सर। धन्यवाद। थैंक यू पंकज जी, आपने ये जो जानकारी हमें दी है और मुझे लगता है कि आपसे इंस्पायर होकर यहाँ पे बाकी के जो पुरुष साथी बैठे हैं उनको में दिमाग में अब ये लग रहा होगा कि ये कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे, हम में क्या कमी आ रही है। तो ये आपके अंदर का सिर्फ संकोच है कि ये महिलाओं के प्रोडक्ट हैं, हम ऐसा हाइजीन पे कैसे बात करेंगे, हम लॉन्जरीज पे कैसे बात करेंगे। थोड़ा सा अगर विचार करेंगे तो जितनी भी इंडिया में लॉन्जरी शॉप्स है, जितनी भी कॉस्मेटिक शॉप्स है, वहां पे फ्रंट एंड पे सेल्स पे पुरुष ही बैठते हैं, महिलाएं तो बहुत कम कहीं पे दिखाई देती हैं। तो बताइए जब वहां मैंने हाइजीन की वजह से, मैडम मैंने कॉलेजों में लड़कियों के जो स्कूल के गैप होते हैं उससे मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि उस बीच में दर्द और स्कूलों का गैप, जैसे अभी आप एक सब्जेक्ट कोई मैडम को बोले थे कि अभी आप जब सब्जेक्ट छूट जाएगा तो क्या करेगी, इस वजह से उनके जो रेगुलर पढ़ाई है उसकी वजह से भी काफी ज्यादा नुकसान होता था। लेकिन अब जब से ये, क्योंकि एक स्कूल का रिजल्ट जो था मेरा तकरीबन 90% तो 100% लेकिन 80% प्लस में था, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे ज्यादा ज्यादा सुरक्षित रहे और खासकर माताएं भी सुरक्षित रहे, क्योंकि आज इतनी सारी बीमारियां, क्योंकि बहुत सारी लोकल कंपनियां जो कॉटन बता के हाइजीन पे बता के उसका डुप्लीकेट कर रही है और लगातार बहुत सारे इन्फेक्शन हो रही है लेडीजों को, तो इस वजह से जो हमारी बातें बड़े गौर से बच्चियां सुनती हैं और खास उनके टीचर और उनके पेरेंट्स भी रहते हैं, क्योंकि मेरा एक सबसे बड़ा वो रहता है कि अपने पेरेंट्सों को आप एक बार बुला के आएं, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरी बच्चियां सुरक्षित रहें। भाई बाहर की दुनिया सुरक्षित होने से पहले अंदर जो एक विकार है उससे सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, और यही मेरा मेन सब्जेक्ट रहता है मेरा। और बिल्कुल बिंदास होकर बात करता हूँ, सब सुनते हैं, क्योंकि मेरा एक ही गोल रहता है कि मैं लोगों की अच्छाई के लिए आया हूँ, ना कि किसी को निगेटिव और पॉजिटिव करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसी तरह से करते रहिए और सबको इंस्पायर करते रहिए। जी जी मैडम, धन्यवाद। जी मैम, अभी आज आपने जो हमें जानकारी दी बहुत शानदार दी है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की जो श्रृंखला है ना वो बहुत ही शानदार और जानदार है, और मैं भी जब हाइजीन कैंप करने जाती हूँ तो केप का ही इस्तेमाल करती हूँ, केप लगाती हूँ। और मैम जैसे कि अभी जो हमारा वैनिटी बैग जो लॉन्च हुआ है बहुत अच्छा है, शानदार है, ये हमारे बिजनेस में और ज्यादा मदद करेगा, और जो कैटलॉग बुक आई है प्रोडक्ट की वो भी बहुत अच्छी है, यानी आपने PQC कोर्स कर लिया उसमें आपको सारे प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई, और जब आप बैग और बुकलेट सामने लेके किसी भी आपके परिचित पास या कहीं भी सेल करने जाते हैं तो बहुत अच्छे से हम अपने बिजनेस को डेवलप कर लेते हैं। और PQC कोर्स करने से ये फायदा होता है कि आपको प्रोडक्ट की जानकारी होती है तो आप बहुत अच्छे से उनको समझा सकते हैं और बता सकते हैं। मैम मेरे पास आज ही ऑर्डर आया है, ये मैंने सारे प्रोडक्ट मंगवाए हैं, पार्लर सैलून में ही मुझे भेजने हैं, तो तकरीबन 2,500 के प्रोडक्ट हैं, तो ये मेरा ऐसा सेल होता है कि मैंने PQC कोर्स किया है इसलिए मैं अच्छे से बता पाती हूँ, तभी सेल हो पाते हैं मेरे सारे प्रोडक्ट। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अभी तक PQC नहीं किया है उनको समझ में आ गया होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, PQC होता क्या है। तो आप लोगों को अगर कीसोल पे कुछ भी करना है या आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा भी ये हो रहा है कि इन प्रोडक्ट्स में आखिर ऐसा क्या है कि हर कोई बोल रहा है कि बहुत शानदार प्रोडक्ट है, तो PQC कर लीजिए, वहां सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप ये मान के चलिए कि उसके बाद अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। जी शोभा जी, नहीं साधना दीदी मोबाइल मंगाई। JRCM सर जी, JRCM सर, जय किशोर सर, मैं अभी न्यू, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, मैं भी नया ही हूँ, मैंने अभी सिर्फ ये वाली क्रीम यूज करी है। मैम से मुझे एक ही सवाल पूछना सर, मैम अभी आज ही सुना मैंने PQC क्या होता है, मुझे नहीं पता था सर। अच्छा कौन बताएंगे इनको PQC क्या होता है? मैम एक बार सरिता मैम एक बार फिजिकल हैंड रेस करिए। इसमें PQC का मतलब होता है पिंक टीम क्लब, हमें एक ट्रेनिंग मिलती है जिसमें 12 मॉड्यूल होते हैं और सारे प्रोडक्ट जो हमारे पास में होते हैं उसकी डीपली नॉलेज मिलती है, बेसिक नॉलेज जब होगी तो हम आगे से, मतलब जिस किसी के पास में जाएंगे तो हमारे हर प्रोडक्ट की हमारे पास में डीपली नॉलेज होगा। तो वो करने के लिए हमारी जब से ज्वाइनिंग हुई है अभी से पिछले 6 महीने की, अगर आपने 5000 SP का जो PQC और योमनी के प्रोडक्ट खरीदे हैं तो आप
तुरंत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जैसे ही बैच शुरू होगा तो आपको उसमें मैसेज मिल जाएगा, तो ये कर सकते हैं आप। सर निर्जला क्या होता है सर? ये उसके बाद का पार्ट है, निर्जला उसके बाद का है। आप पहले पीक्यूसी करिए, उसके बाद आपको निर्जला। जी मैम, जी मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। शोभा यादव जी आइए दीदी। जी मैम, मैंने अभी 5000 एसपी का प्रोडक्ट लेकर के पीक्यूसी का रजिस्ट्रेशन करवाया है मार्च में ही, लेकिन अभी तक उसका ऐसे मैसेज आया था कि मतलब व्हाट्सएप पे आपका आ जाएगा मैसेज, लेकिन अभी तक आया नहीं, बस यही पूछ रहा था। आ जाएगा, वेट करिए। राखी भी आई है, तो कितना टाइम? नमस्ते मैम, थैंक यू मैम, आपके वजह से ये जो प्रोडक्ट हमें मिले हैं इसका मैम इतना अच्छा रिजल्ट है कि मेरे पास मोरिंगा क्रीम है और ये जो सारे बीबी क्रीम है, फर्म फेयर पाउडर है, इतना अच्छे से सेल होता है मैम कि जो अभी कम सेल होता था जब से पीक्यूसी किया है, जब से रिजल्ट बहुत अच्छे हैं मैम। कैंपस वगैरह लगाती हूँ तो ये जो अपने पेम्पलेट है इसका यूज करती हूँ, और जो कैप है इसका यूज करती हूँ, और जो हाइजीन किट है इसको साथ में रखती हूँ मैम, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसकी। थैंक यू मैम। टारगेट मिला हुआ है 23/2/2023, यानी फरवरी में लास्ट हमारा ये क्लास हुआ था, और उसके बाद से टारगेट मिला है 3 महीना लगातार 3000 पीवी करना है, मार्च अप्रैल मई, तो मैंने मार्च में कर लिया है और अप्रैल में करूंगी अभी और मई में भी करूंगी। तो सर मेरा ये किट्टी पार्टी हम ज्वाइन किए हैं, तो सर हम वहाँ पे किस तरह से अपना प्रोडक्ट का बात करेंगे सर, प्लीज सर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि वहाँ जब लेडीज लोग आते हैं तो हम बात करते हैं तो वो बताते हैं मैं क्यों लूँ, इतना शानदार तो बाहर में प्रोडक्ट है, तो सर मैं वहाँ पे कैसे बात करूँ? देखिए जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले आपको उन्हें ये बोलना है कि हम मार्केट के जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उनमें क्या डला हुआ है हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हमको सिर्फ उतनी सी जानकारी हो सकती है जो उसमें लिखी हुई है, उसके अलावा हमें नहीं मालूम है कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक है या नहीं है। तो हम यहाँ पे मैं जो प्रोडक्ट की आपसे बात कर रही हूँ आपको मैं पूरी डिटेल में जानकारी दे सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट बनाए कैसे जाते हैं, और कंपनी द्वारा हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है। फिर आप जिस भी प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं आपको प्रिसाइसली फिर उसके बारे में डिस्कस करना है, कि सपोज आप नेल पेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको ये बोलना है कि, क्योंकि अगर आप किटी पार्टी में जाएंगे तो इसी तरह के प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं, तो आपको वहां ये बोलना है कि नेल पेंट जो आते हैं वो है तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोडक्ट, लेकिन अगर हम ये सोचें कि जिन नाखूनों पे हम ये पेंट लगाते हैं उन्हीं नाखूनों को टच करके हम खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो वो सीधे हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। अब अगर वो नेल पेंट हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे को अलग अलग तरह की बीमारियां होंगी, तो वो नेल पेंट कैसा होना चाहिए जिसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स ना हो? तो क्या आपको श्योरिटी है कि आप जो मार्केट के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसमें वो हार्मफुल केमिकल्स हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ पे मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि हमारे नेल पेंट 9 केमिकल फ्री है, 14 केमिकल फ्री है, 21 केमिकल फ्री है। फिर आप उसमें ब्रीदेबल वाले फीचर को हाईलाइट कर सकते हो। ये इस तरह से आपको 3-4 प्रोडक्ट के बारे में जब आप कॉन्फिडेंटली बोल दोगे, जो हर चीज लिखी हुई है, आप उनको कैटलॉग दिखा सकते हो कि जो मैं आपको बोल रही हूँ ये पूरा लिख के दिया जाता है। हमारा काजल जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, आप उसको आंखों पे लगाओगे आपको कभी किसी तरह का कोई भी आपको एलर्जी नहीं होगी, वो 12 आवर्स स्मज प्रूफ काजल है। इस तरह से आपको एक एक प्रोडक्ट के ऊपर, हमारा बीबी क्रीम है जो आज वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मैं मेरे पास ये बुक है, मैं इसका सहारा ले सकती हूँ किटी पार्टी में? बिल्कुल बिल्कुल, आपको इसका सहारा ही लेना है कि आप इसको दिखा के इसको पढ़ के बहुत कुछ आप बोल सकते हैं, पर प्रोडक्ट्स को साथ में रखिए, खाली बोलने से कुछ नहीं होता है। जी मैम, मेरे पास प्रोडक्ट भी है मैम, थैंक यू मैम। ग्रेट, लास्ट में चलते हैं, आशु का नाम है, दीदी आइए। जी मेरा नाम सुशीला दास है, और आज का प्रोग्राम मैम ने जो बताया वो बहुत ही बढ़िया था, और हम लोगों को जो बैग लॉन्च हुआ है वो बहुत ही बढ़िया है, इसका जरूरत था हमारे बिजनेस को करने के लिए, और हम लोग भी थोड़ा अपडेट हुए हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन था मैम कि मैं फ्रिज निर्जला में एंट्री हुई थी तो जो टारगेट दिया गया था वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं फिर से फ्रिज निर्जला करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं मैसेज किया था तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है।
आप ऐसा ये आप ये क्वेश्चन पे क्या आंसर दूं मैं, आप बताइए कि जो चीज हम नहीं कर पाए तो हमको फिर से करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल है। इसलिए मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई, मैं आधे से भी ज्यादा कंप्लीट कर दिया था लेकिन जो जॉइनिंग था उसके बारे में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैंने नहीं कर पाई। तो मैम फिर से मुझे करना है, आप फिर से टारगेट कीजिए। फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, टारगेट कंप्लीट कर दूंगी वही हो जाएगी जो पांच एसपी जो खरीदारी वो पांच न्यू ज्वाइनिंग पांच पीक्यू से ज्वाइनिंग जाएगी। ओके मैम थैंक यू, थैंक यू। हमारा समय भी हो गया है, जितने भी साथी हैं और वो नहीं बोल पाए हैं वो अपना दिल छोटा ना करें, कल इसके ऊपर बात करेंगे और अगले जिस सेशन में आप जल्दी हैंडरेज कीजिए, क्योंकि जितने भी साथी हैं वो पुराने साथी हैं तो वो हमारे स्तंभ हैं, तो हम उनको आगे लेके, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर मैम आपने जो जानकारी दी है, हम भी अब पहले एक एक से बात कर रहे थे, तब हम कॉमन में कहीं जाके बात करेंगे ताकि हम बड़ा लेवल पहुंच पाए, बड़े लोगों के साथ बात कर पाए और ज्यादा क्वांटिटी में बात कर पाए। जितने भी साथी सुन रहे हैं वो नेक्स्ट जब भी ये प्रोग्राम हमारा किसोल का हो तो सुबह 11:30 वाले सेशन में और शाम के 8:00 सेशन में आप उसमें ज्यादा तैयारी कीजिए। आज ही सुबह हमने एक रिमाइंडर डाला सुबह के सेशन में, जिस वजह से आज का 11:30 का सेशन हाउसफुल रहा। तो हम अगर आज से शुरुआत करते हैं आगे भी प्रोग्राम होगा, हम हजारों की संख्या में मतलब इसको शामिल कर सकते हैं, और हजारों नहीं उसके बाद हम लाखों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लोगों तक बात हमारी जाएगी तो हम ज्यादा लोगों पे बात कर पाएंगे और उनका हम स्वास्थ्य ठीक कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, लास्ट के आपके सब ये जी। मुझे खुशी है कि आप जो बातें मैं बोल रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी नीड है और उसके बाद उस पर अमल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो देखिए हम सबको एक ही चीज चाहिए, अगर हम बड़े रूप में अगर इसको देखें तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की स्वास्थ्य ठीक रहे, आप लोगों का बिजनेस बढ़े, आप लोगों की इनकम बढ़े, महिलाओं को एक इंडिपेंडेंट होने का अपनी एक स्वतः वो अपने आप से कुछ कर सके, अपनी आइडेंटिटी बना सके, लोग उनका रिस्पेक्ट करें, हम सब यही बात चाहते हैं ना। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप सबको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ आपकी इनकम बढ़ सके, आप सब अपने सपनों को पूरा कर सके, आपकी एक ऐसी आइडेंटिटी बने कि लोग जाने कि हम आपको पहचाने, लोग आपके अपने नाम से पहचाने, किसी और के नाम से नहीं पहचाने। मैं मन से चाहती हूँ कि ये सब कुछ संभव हो पाए, पर ये होगा कैसे, सबसे बड़ा सवाल है कि ये सब होगा कैसे। तो बस यहाँ पे ये समझ लीजिए कि समय समय पे जो भी बातें मैं आपको बोल रही हूँ, चाहे आप उसको मेरा एक्सपीरियंस समझ लीजिए या मेरा सुझाव समझ लीजिए, हो सकता है मैं आप में से बहुत सारे लोगों से उम्र में बहुत छोटी हूँ, लेकिन यहाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि किशोर की छोटी सी जर्नी में जो सारी चीजें मैंने सीखी है मैं आप लोगों को वो चीजें शेयर करना चाहती हूँ। और जब तक आपको ये नहीं लगे कि आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, तब तक जो बातें आपको यहाँ बोली जाती है या हमारे ट्रेनर्स द्वारा बोली जाती है उनको 100% पूरा कीजिए। हम जब भी किसी काम को अधूरा करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ सुनते तो बहुत कुछ है लेकिन करते हुए ये जो हमारा मन करता है या हमारे कन्वीनियंस जिसमें होता है या हमसे नहीं हो पाया, हमारे पास बहुत सारे कारण निकल जाते हैं, वो कारण मत आने दीजिए। क्योंकि जब यहाँ पे बात प्रोडक्ट सेलिंग की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है आप लोगों के सपनों को पूरा करने की, आपकी आइडेंटिटी बनाने की। तो जब इतना बड़ा कुछ करना है, लोगों को दिखाना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो फिर ये छोटे मोटे रीजन आने देंगे क्या अपने बीच में? तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी बाधाओं को अपने बीच में आने देने से या कोई भी ऐसा कारण जो हमारे सपनों के बीच में आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, उस कारण को उठा के फेंक देंगे ना। तो आज से बस ये प्रण लीजिए कि हमको जो भी यहाँ बोला जाएगा हम उसको अपने दिमाग के अंदर इस तरह से बिठा लेंगे कि चाहे जो भी हो जाए हम इसको पूरा करके रहेंगे। और फिर वो दिन दूर नहीं कि मेरा ये जो सपना है कि आप लोगों के सपने पूरे हों वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, जय आरती। थैंक यू मैम, जो आज आपने कीमती समय दिया उसका सभी को लाभ मिलेगा। और जो भी साथी आज इस प्रोग्राम में शामिल हो पाए हैं और जितने भी साथी यूट्यूब पे थे तो वो सारी चीज एक बार नोट करें और आज का सेशन वापस अगर हम देख सकें और तभी हमें इस आज की जो इम्पोर्टेंट समझ में आएगी, क्योंकि अभी हमने सुना लेकिन नोट नहीं किया है। तो यूट्यूब पे जाके जो भी चीजें मैम ने बताए हैं वो हम सारी चीजें एक बार नोट करके अगर ये करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है। और जितने भी साथी बीच में हमारा टारगेट जो बताए हैं वो चूक जाते हैं तो एक बार वापस कंप्लीट कीजिए, जिस वजह से हम और मतलब अपने आप को अपडेट कर पाएंगे और उसका फायदा ले पाएंगे। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कल सुबह का जो 6:30 का जो सेशन होता है सर का माइंड प्रोग्राम, आप उसमें भी शामिल होइए ताकि आप वहाँ पे अलग अलग तरह के संकल्प लिए जाते हैं। और जो अलार्म डायरी के ऊपर अभी फोकस चल रहा है और ये अप्रैल महीना हमारा फोकस महीना है, उसमें हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो आप अपना कीमती जो समय दिया